उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर तहसील सदर स्थित गांव तिगरी में शराब ठेका खोले जाने का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक अगर शराब का ठेका यहां से नहीं हटाया गया तो हम सभी ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इस पर गांव के सरपंच ने बताया कि गांव में तिगरी के मुख्य रास्ते में जो शराब का ठेका खोला जा रहा है उससे हमारे गांव के लोगों की आदत के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। साथ ही जिस जगह शराब का ठेका खोला जा रहा है उसी रास्ते से छात्राएं विद्यालय भी जाती हैं। अगर रास्ते में पड़ने वाला ठेका खोला जाता है तो कहीं ना कहीं हर रोज स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। वहीं गांव की एक स्कूली छात्रा ने बताया कि एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, वहीं विद्यालय के रास्ते में शराब का ठेका खोला जा रहा है। यह हम स्कूली छात्राओं के लिए कहीं ना कहीं जोखिम भरा साबित हो सकता है। जिस संबंध में ग्राम प्रधान से लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और शराब के ठेके को कहीं और स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई। साथ ही बताया गया कि अगर इस सब के बाद भी शराब का ठेका मेन रोड पर खोला जाता है तो ग्रामीण उसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मामला संज्ञान में आया है और उक्त ठेके को कहीं और स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। बस ऐसे तक रोड जाता है, रोड पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। जो सरकार ने ठेका मंजूर कर दिया है तो कहीं किसी जंगल में जंगल के रास्ते पर मेन रोड पर ना खुले, आने जाने वालों को दिक्कत हो। क्या रोड के रास्ते पे जहाँ खुला है वहाँ पे कोई विद्यालय पड़ता है? हाँ, विद्यालय पड़ती है। पैदल भी लड़कियाँ अकेली अकेली पैदल जाती है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपने इस संबंध में मुजफ्फरनगर से जनमत न्यूज़ के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।